सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा श्री राम वाली राम भोल सांझे दरबार के जय श्लोके दुर्गा शिवोवाच देवेदं भक्तसुलभे सर्वकार्याभिधायिनी कला हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश्च साधनम् माया तमेव स्नेहेन ब्रह्मास्तुभिः प्रकाश्यते ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः मनस्तुभछन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः ॐ ध्यानिनामपि चेतांसि देवी भगवतीः सा भलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे शिला हर्षिभिमशेषयन्तम् स्वस्ते स्मृताम् मतिमतीव शुभाम् ददासि धारित्रदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार्यकरणाय सदा सचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तु ते शरणागत दीनाद परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवे नारायणे नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैभस्याहि नो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तु ते लोकानशेषानपहंसि तुष्टा ृष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानाम् न विपन्नराणाम् त्वामाश्रितहयाश्रयताम् प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलैश्वरीम् एवमेव त्वया कायम् अस्मदभैरिविनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा पिता भवेत् सति ॐ सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमाजनी आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी
पिनाकधारणे चण्डघण्टा महातपा मनोभुग्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिराजिनिः सर्वमन्त्रमये सत्या सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भाविनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्बरी देव माता च चिन्ता रत्नाप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलाभति पष्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीरञ्जिनी अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी दुरसुन्दरी वनसुर्गा च मादङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता भ्रामी माहेश्वरी चेन्द्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा देव वाराही लक्ष्मीश पुरुषागतिः विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिता बहुला बहुला प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्ब शुम्ब हनने महिषासुरमर्दिनी मधुकेटवहन्ते च चण्डमण्डा विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमये सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च गैजारी युवतेयतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरे मुक्तगेहि घोररूपा महाबला अग्निज्वालारौद्रमुखे कालरात्रि तपस्विनी नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलोदरी शिवधूते कराले च अनन्ता परमेश्वरी काष्ठायनी तथा वृत्ते प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी व्याकृतं प्रपदे नित्यं दुर्गानाम शताशकम् नासाध्यं विद्यते देवे दिशो लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा जान्त लभे मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं भोजयित्वा ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं सूचयेत्परया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वे हि सुरवरैरपि राजानदासतां जान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् घोरोचनालक्षककुङ्कुमेन सुन्दरकर्पूरमधुत्रयेण विलेख्ययन्त्रं विधिनां विधिज्ञो भवे सदाधार्यते पुरारिः भूमावाद्यान् शामग्रे चन्द्रे शतविशां गते विलिख्य प्रपठे स्तोत्रं साम्बरे संवदां वदाम् प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र बेला में आप सभी भक्तजनों का माँ भगवती वैष्णो देवी जी के दरबार में अभिनंदन हार्दिक स्वागत। इस समय इस दिव्य गुफा के अंदर पूज्य पुजारी जी द्वारा माँ भगवती जगत जननी वैष्णो देवी जी की पंचामृत से और वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार विधि से पूजा की जा रही है। इस समय मनुष्य ही नहीं अपितु देवतागण भी माँ भगवती की करवत होकर स्तुति करते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना ध्यान माँ भगवती वैष्णो देवी जी के चरणों में ले जाएं और भक्ति भाव से इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्यः कवचम् अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः हनस्तुभ छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् भृगबन्ध देवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन घते विनियोगः
ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयो भज ॐ चतुर्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाघातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्माभाज अस्ति गृहतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यासुकसम्पन्नं दर्शनस्य महामने प्रथमं शैलपुत्रि च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरे चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गः प्रकेतिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मनाम् अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव प्रयासः शरणं गता नातेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि येष्टु भक्त्याशिलानो न तेषां वृत्ति प्रजायते भेदा स्मरन्ति देवे लक्षभेदा न संशयः वेदसंसादुरामन्दा वाराहिमहिषासना हन्द्रीगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विषारूढा कौमारी जिगिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा तरा देवी ईश्वरी विषवाहना ब्राह्मी हस्तसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतामातरा सर्वः सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोपाढ्या नानारत्नापशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्ते फलं धामुसलायुधम् केटकं तोमरं देव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् गज्जानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्यायुधानेदं देवानां च हिताय भै नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने राहिवादेवि दुष्कृते शत्रुणाभयवर्धिने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वधु वाराहि नैरित्यां खड्गधारिणे पृथ्वीजाभारुणे रज वायव्यामिगवाहिने उद्भिजा पातु कुमारी एजानां सूरधारिणे बोद्धं ब्रह्माणि मे रक्षदस्ता वैष्णवी ददा एवं दशदिशो रक्ष जामुण्डाशमवाहना जया मे जागदा पादो विजया पादो पृष्ठतः अधिना भामभाजेदो दक्षिणे जापराजिता शिवामुद्योदिने रज्जे उमामोदये व्यवस्थिता भालादये ललाने जाभरक्षे जयस्विनी ृणेजाजाभर्मध्ये यमघण्टा जनासिके शङ्कने चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोद्धारवासिनीम् कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करीम् नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिकाम् अधरे चामृतकला जिह्वायां सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकाञ्जत्र घण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे जुभगं रज वाच मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठभञ्जे ददोदरे नीलग्रीवावहे कण्ठ नलिकां नलगोभरे स्कन्दयोः गर्गने रज बाहु मे वज्रधारिणे हस्तयो दण्डले रज अम्बिका जाङ्गलेश च नखाञ्जुरेश्वरे रक्षे तज्ज्वालज्जे गलेश्वरे स्वनो रक्षे महादेवे मनाशोकविनाशिने हृदये ललिता देवे उदरे शूलधारिणे
नाभोज कामने गुह्यम भूयेश्वरे तदा भूतना कामी कामेरंगदे महिषवाहिने सक्ता भगवते रज्य यानने विंध्यवासिने जंगे महाबला रक्षे सर्वकाम प्रदायने गुल्भयोर नारसिंहेजा पादमृष्टे तुदेजते पादाङ्कुलेशे रज्य पादादस्तरवासिने रक्षान्दष्टाकरालिश्च केशान् देवोदकेशने रोमकूपेषु कोभेरि त्वचम् भागेश्वरे तथा रक्तमध्यावसामासा न्यस्ति मेदासि पार्वते हन्त्राणि कालरात्रिश्च वज्रम् च मुकुटेश्वरे पद्मावली पद्मकोशे कवे चूडामणिस्तदा ज्वालामखे नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिश सूक्ष्मम् ब्रह्माणि मे रक्षया सत्येश्वरे तथा अहङ्कारमनोबुद्धे रक्ष मे धर्मधारिणे प्राणपादौ तथा व्यानम् वदानम् च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणम् कल्याणशोभनम् रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिने सत्त्वम् रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणे सदा आयो रक्षतु वाराये धर्मम् रक्षतु वैष्णवे दशः कृतिम् च लक्ष्मी च धनम् विद्याम् च चक्रिणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशो मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मे भार्याम् रक्षतु वैरवे पन्थानाम् सुमहारज्य मार्गम् क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मे विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनाम् च यस्थानम् वर्जितम् कवचेन तत्सर्वम् रक्ष मे देवि जयन्ते पापनाशने पदमेकम् न गच्छेद जनेशेषु ममात्मनः कवचेनामिदो नित्य यत्र यत्रेव गच्छति तत्र तत्रा सर्वकामिकः यम् जयन्तयते कामम् तम् तम् प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरीयम् मधुरम् प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयोध्यायते मध्यः सङ्ग्राम्यश्व पराजितः त्रैलोक्यतुमभे सूर्यः कवचेनाभिदः पुमान् इदम् तु देव्यः कजम् देवानामभिदुर्लभम् यः पदे पयदो नित्यम् सत्ययान्वितः धेरीकलापभेदस्य त्रैलोक्यैश्वपरायुतः धीरेशिताग्रामपमित्यो विवर्जितः पश्यन्ति जातया सर्वे लोताभिस्तोटकादयः साफलम् जङ्गमम् जय कृत्रिमम् चाविषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूतलः क्षेत्रराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलयामाला जागिनी जागिनी तदा अन्तरिच्य च राघोरा राज्ञश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसभेदालः कुष्मारावेरवादयः पश्यन्ति दर्शनादस्य कवचे संस्थिते मानानदेव वैराग्यस्तेजोभिद्धिगलम्बरम् यशसाबद्धे स्वामि कीर्तिमण्डितभूतले यशे सप्तशतीम् चण्डीम् कृत्वा दुर्गजाम्बुरा यावद्भूमण्डलम् दत्ते दशे रावणकाननम् तावत्तिष्ठति मेदिन्याम् सन्ततिः पुत्रपौत्रिके देहस्ते परमस्थान यस्तुरैरमिदुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामायाप्रसादतः भवते परमम् रूपम् शिवेन सह बोधते ॐ अथ अर्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनुष्टुलछन्दः श्रीमहालक्ष्मे देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन
जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्गन्धे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणे जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमस्तुते मधुकेतव वृक्षाभिधाते वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां दुर्गे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि रक्षबीजवदे देवि चन्द्रमन्दविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि शुम्भस्य वलिशुम्भस्य सुम्रायश्च चमर्दिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि वन्दिताङ्ग्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि गतेभ्यः सर्वदा भक्त्या झण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि सुभद्रो भक्तिपूर्वं त्वं झण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि झण्डिके सततं ये त्वामर्जयन्ति ह भक्तिदः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि विषेहि दिशलानाशं विदेहि वरमुच्चके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि विदेहि देहि कल्याणं विदेहि परमांशिहं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि सुरासुरशिरोरत्नानि कृष्णचरणमिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं यलं कुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि प्रचण्डचक्रदर्भग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि कृष्णेन संस्तुते देवि स्वस्तभक्त्या ददाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि हिमाचलसुरानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि हिन्दानि परिसद्भावपूर्तिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि देवि प्रचण्डदौर्खण्ड दैत्यदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि देवि भक्तजनाधामा दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणे कारणे दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् घृतं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठे नरः सहतो सप्तशते सङ्ख्या भरमापनोति सम्पदा ॐ अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवर्षिः धनुष्टवछन्दः श्रीमहासरस्वतीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै
भार्गन्येवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रियाप्रातिनिमित्ताय नमः सोमाचारिणे सर्वमेतद्धि जानीयामन्त्राणामवकीलकम् सोऽभिषेवम् आप्नोति सततम् व्याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु जाटलादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुमतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति कामन्त्रो नोषधम् तत्र नागेन्द्रेदपि विद्यते विना चापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटलादिकम् समग्रान्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमाभरः युक्त्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदम् शुभम् स्तोत्रम् वैचन्दिकायातो तच्च गुप्तम् जगारसः समादेन च पुण्यस्य ताम् यथावन्नियन्त्रणा स्वाभिषेवमवाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दश्यामष्टम्याम् वा समाहितः भदादेवनादे नान्यदेशा प्रसीदते इष्टमरूपेण कीरेण महादेवेन कीरिणम् योनिष्कीलाम् विधायेन नित्यम् जपते सस्मृताम् साक्षिब्धः साकनासोऽपि गन्धर्वयायते नरः नाचैवाप्यकृतस्तस्य वयम् वापि हयायते नापमृत्यो वयम् जाति मृदो मोक्षामवाप्नुयात् यत्त्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्भानो विनश्यति ततो ज्ञात्रेव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदम् शुभम् शनेस्तु जप्यमानस्ति स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्र सारेण सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परमोक्षः श्रूयते सालकम् जनेः ॐ श्रीमहिषासुरमर्दनी स्तोत्रम् हरिगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते हरिन्द्रशिरोदिनि भादि विष्णुविलासनि विष्णुनुते भगवति हे शुचिकण्ठकटुम्बिनि भूरिकटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपारधिनि शैलसुते धुरवरवर्षिनि धुरदरदर्शिनि धुरमुखमर्षिनि हर्षरते त्रिभुवनपोषणि अन्तर्गोलिनि कुलविषमोषिनि गोचरते धनुजनि रोचिनि दिदिसुतरो Thank you.
Yeah.
सभी भक्तजनों से निवेदन है कि पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 28 निकाल लीजिए। श्री भगवते स्तोत्रम् जय भगवती I am.
Seva kola
क्षमा प्रार्थना ही अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर निशामया दासाय मिति मामत्व क्षमस्व परमेश्वरी आवाह
पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे धर्मधारी की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इसमें जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के इस प्रातः काल की आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता की कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि ही और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नौमी पर्यंत जो है, जे नौ दिन जो है बहुत शांति नवरात्र होती है, माँ भगवती के विशेष दिन जो है, जो शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचक जो है दिन होते हैं, तो आज से जो प्रथम नवरात्र है, प्रथम नवरात्र के अवसर पर आप सभी भक्तों को और सभी देशवासियों को जो है, भारतवासियों को सभी को जो है हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं सबसे पहले राज्य के राज्यपाल जो हैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। प्रथम नवरात्र के अवसर पर माँ वैष्णो देवी की ओर से वर्धापन, माँ भगवती आशीर्वाद दी और सबका जो है कल्याण करें।
हार्दिक इस शुभ नवरात्र के अवसर पर जो है गवर्नर साहब राज्यपाल जी को हार्दिक शुभकामनाएं माँ के दरबार की ओर से बहुत बधाई, और उसके बाद में श्राइन बोर्ड के जितने भी अधिकारी कर्मचारी सबको जो है माँ वैष्णो देवी की ओर से इस प्रथम नवरात्र के अवसर पर जो है हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बधाई। दरबार में आए हुए जितने भक्तजन जो हैं सबको प्रथम नवरात्र की शुभकामनाएं हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बधाई। भगवती आप सबका मंगल करें और विश्व के सभी भक्तों को जो है इस शुभ अवसर पर जो है नवरात्र वसांतिक नवरात्र के प्रथम नवरात्र के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बधाई, और माँ भगवती सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको आशीर्वाद दे और सभी जो है सुख को प्राप्त करें। बोलो सच्चे दरबार की। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से जो है नव संवत्सर का जो है ये आरंभ होता है। आज के दिन जो है नव संवत्सर जो है इसी का प्रारंभ होता है, और ये अत्यंत जो है ये पवित्र तिथि मानी गई है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो है। इसी तिथि से जो है पितामह ब्रह्मा ने जो है आज के दिन ही सृष्टि का निर्माण जो किया, सृष्टि का प्रारंभ जो था वह आज के दिन इसी तिथि को जो है जो हुआ था। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन जो है चैत्र मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज पृथ्वी हणि शुक्ल पक्ष समग्रेतु तथा सूर्योदय सती। तो इस तिथि को जो है रेति नक्षत्र में विषकुंभ योग में दिन के जो समय भगवान के आदि अवतार जो है मत्स्य रूप का अवतार जो प्रादुर्भाव भी जो है ये माना जाता है। आज के दिन जो है ये पहला अवतार जो मत्स्य अवतार जिस समय इस सृष्टि पर कुछ नहीं था, जल ही जल था और जल में कौन जीव रह सकता है, उस समय जो है भगवान ने मत्स्य रूप जो है ये धन करके जो अवतरित हुए थे इनका प्रादुर्भाव हुआ था, वह भी आज का ही दिन था। युगों में जो है प्रथम सतयुग का प्रारंभ जो था ये भी आज के दिन जो है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन ही हुआ था। इस तिथि को जो है हुआ था इसी दिन जो है सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है शकों पर विजय प्राप्त की थी, और जो है उसे चिरस्थायी बनाने के लिए जो है विक्रमी संवत का जो है प्रारंभ किया था। तभी से ये नाम जो विक्रमी संवत सर जो पड़ा, और इसी दिन का जो दिन से जो है वसांतिक नवरात्र जो है भगवती की पूजा का जो विशेष दिन जो है पहला दिन जो है जे प्रतिपदा से के नौ दिन जो है इस शक्ति पूजन का जे प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार इसी दिन वसांतिक नवरात्र का प्रारंभ होता है, और इसी कारण जो है जे स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है आज का दिन जो है। इस दिन जो है जो भी व्यक्ति जो है किए हुए जप का जो है दान का पुण्य कर्म का जी कहते हैं कि वर्ष भर जो है जी जीवन में जो है वर्ष भर जो है धन धान्य की समृद्धि होती है, सुख सुविधा बनी रहती है, और जो है सर्वत्र जो है सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो जे नौ दिन की साधना विशेष जो है ये शक्ति पूजन शक्ति संवर्धन शक्ति संचय के दिन जब बतलाई गई है, जिसमें शक्ति की पूजा जो है जे की जाती है, क्योंकि शक्ति के बिना संसार का पत्ता भी जो है बल ढूंढ नहीं सकता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। वो शक्ति स्वरूपा माँ भगवती के चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से बार बार नमस्कार है। वह भगवती आदिशक्ति हम सब भक्तों का कल्याण करें, हम सबका मंगल करें। तब विक्रमादित्य शुभ संवत 2070 जो है ये आज से ये प्रारंभ हुआ नव संवत्सर जो है। इस नव संवत्सर की जो है आप सब भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बधाई। तो विक्रमादित्य शुभ संवत 2070 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि ही, और से अप्रैल 2019 शनिवार के दिन जो है ये आज है परिधाबी नाम का संवत्सर जो है जे नया संवत्सर जो है ये प्रारंभ हुआ है। संवत्सर का प्रारंभ हुआ जो है जिस प्रकार से परिधाबी नाम का संवत्सर जो है जे आज से जे इसका प्रारंभ हुआ है। नव संवत्सर के राजा जो है जे शनि है, और मंत्री जो है जे सूर्य है पिता पुत्र है। राजा जो है शनि है पुत्र है, और जो है मंत्री जो है वह सूर्य है वह पिता है। इसका दो परस्पर विरोधी ग्रहों को जो है प्राप्त होने से नेताओं प्रशासकों तथा जो है लोगों में परस्पर जो है बैर भरोस टकराव एवं होड़ की जो भावना जो है ये अधिक प्रबल होती है। तो इस प्रकार से ये राजा जो है संवत्सर का जो है शनि है, और मंत्री जो है
जो सूरज है, आज के जो संवत्सर का जो है, जिसका नाम जो है परिदाभी नाम का जो है संवत्सर प्रारंभ हुआ है, और जो नया संवत्सर जो प्रारंभ होगा है, जो भगवती के आशीर्वाद से आप सबका मंगल करने वाला हो, कल्याण को देने वाला हो, सब प्रकार के सुखों को देने वाला हो, सब प्रकार से मंगल को देने वाला हो। माँ भगवती सर्वत्र आप सब भक्तों का मंगल मंगल करें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायण नमस्ते। तो इस प्रकार से आज प्रथम दिन जो है, इसमें जब शक्ति की उपासना करते हैं, भगवती की आराधना करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, हमारा ये वर्ष जो है ठीक प्रकार से रहे, इसमें किसी प्रकार विघ्न बाधा न आए और माँ आप हमारी रक्षा करना, जो भी विघ्न बाधा होंगी उन विघ्न बाधाओं को दूर कर करके सर्वत्र जो है हम भक्तों का कल्याण करना। नवरात्र जो है जो भारतीय गृहस्थ के लिए जो है ये शक्ति पूजन शक्ति संवर्धन शक्ति संचय के जो है ये विशेष दिन होते हैं, जिसमें प्रत्येक जो है बाल वृद्ध नर नारी सभी जो है बड़े हर्षोल्लास से जो है ये 9 दिन माँ भगवती की जगजन्य जगत माता की पूजा माँ की आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, इस प्रकार से मंत्रों के द्वारा भजनों के द्वारा भगवती को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन विशेष प्रयत्न करते हैं भक्तजन जो है भगवती की आराधना कर करके, क्योंकि ये 9 दिन शक्ति के जो होते हैं जिसमें भगवती को प्रसन्न करते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करते हैं, जिसके फलस्वरूप माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य सिद्ध होते हैं, वह जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, उनके समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, धन लाभ होते हैं और सर्वत्र जो है वह साधक जन जो परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, आरोग्यता को प्राप्त होते हैं। जी रुद्र जामल तंत्र में जो है कहा गया है नव शक्ति समाज युक्ताम नवरात्रों तो उच्चते, 9 शक्तियों के युक्त होने से जो है इसे नवरात्र कहा गया है। वह 9 शक्ति क्या है, प्रथम शैल पुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटे थी कुशमान चतुर्थकम पंचम स्कंद माते थी षष्टम कर्त नीति च सप्तम काल रात्रि थी महाघोरि चाष्टम नवम सदी धात्री च नव दुर्गा प्रकृति था। 9 दुर्गा जो है जो 9 दिन भगवती जो है भगवती की जो साधना की जाती है, पहले दिन जो है पहला स्वरूप जो है भगवती का ये शैल पुत्री का है। तो आज के दिन भक्तजन जो है शैल पुत्री का ध्यान करते हैं, शैल पर्वत को कहते हैं, पर्वत की पुत्री पार्वती शैल पुत्री जी उमा जी माँ भगवती के जो नाम जो है, तो इस प्रकार से आज के दिन शैल पुत्री के स्वरूप का ध्यान करते हुए भक्तजन जो है अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित कर करके माँ की साधना प्रारंभ करते, माँ की साधना वास्तव में साधना जो है जो मूलाधार चक्र से जो प्रारंभ होती है 7 चक्र ही है। तो प्रतिदिन एक एक चक्र में मन को जो स्थित करते हुए साधु भगवती के नाम का जप करता है, साधना करता है और माँ की विशेष कृपा प्राप्त करता है। नभ्य रात्रि भी संपद्धते जैसा नवरात्र, तो इस प्रकार से जो 9 रात्रि का जो समय जो है नवरात्र, नव को न्याय कहा गया है और रात्र तो न्याय अर्थात न्याय संवत्सर जो है आज पहला नवरात्र और न्याय संवत्सर जो प्रारंभ हुआ है और नव जो संख्यावाचक शब्द भी है 9, तो 9 दिन का जो समय जो है जो विशेष समय होता है जिसमें भगवती की पूजा आराधना हम कर करके भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से नवदा भक्ति 9 नवरात्र माँ भगवती की और 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है। तो नवदा भक्ति जो है जय और नव ग्रह यद्यपि बहुत सारे आकाश मंडल ग्रह हैं तो जो है उनकी संख्या मुख्य रूप से 9 ही बतलाई गई है और नव रत्न 9 प्रकार के रत्न हैं, अन्य बहुत सारे रत्न हैं परंतु नव रत्न जो है इनका विशेष महत्व बतलाया गया है। राम नवमी जो है भगवान श्री राम ने भी नवमी के दिन ही जो है जो है इनका प्रादुर्भाव हुआ था, दिन के 12 बजे नवमी के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन ही जो है और विशाख शुक्ल पक्ष की सीता नवमी जो है माँ भगवती आदि शक्ति ने भी जो है ये नवमी के दिन ही ये अवतार लिया था शक्ति ने, इसलिए ये 9 की संख्या का बड़ा विशेष महत्व है। सीता नवमी ये सभी जो 9 शब्दों की महत्ता के द्योतक हैं और इस प्रकार से भगवती के जो नवान मंत्र है उसके भी 9 ही अक्षर हैं।
इसलिए नौ की संख्या के ऊपर कोई संख्या नहीं है। नौ प्रकार जो मंत्र जो है, जो परम शक्तिशाली मंत्र जो है, यह भगवती का मूल मंत्र जो है, इसके नौ अक्षर हैं और नौ ही नवरात्र होते हैं। नौ दिन जो है भगवती की साधना करते हैं साधक जन, इस मंत्र का जो विशेष जो है आप जप करें। और आज जो है ये चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो है जो पहला नवरात्र है, और ये जो है वैद्यति योग जो है, तो कहते हैं कि वैद्यति और चित्र नक्षत्र यदि हो तो वह त्याज्य होता है। तो आज वैद्यति योग है, इसलिए आज शाखारोपण और जो है कल स्थापन का जो मुहूर्त जो है, ये अभिजित मुहूर्त बतलाया गया है, जो 12:06 पर जो प्रारंभ होगा और 12:54 तक जो रहेगा। तो इसलिए 12 और 1 के बीच में जो है आप जो है कल स्थापन और शाखारोपण कर करके आप भगवती की साधना प्रारंभ करें, व्रत करें और इस मंत्र का जो जप करें, जो मूल मंत्र विशेष करके, और भी जो जिस मंत्र का जप कर सकते हैं वह करें, श्रीमद् देवी भागवत का पाठ, और विशेष करके जो मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ भगवती के जो मूल मंत्र, जो परम शक्तिशाली मंत्र ही और साक्षात भगवती के स्वरूप ही, इस मंत्र को आपने हृदय में ध्यान कर करके और भगवती का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जितना जप कर सकते हैं, क्योंकि भगवती के जब विशेष दिन होते हैं उन विशेष दिनों में किया हुआ जप पाठ जो है इसका अक्षय फल होते हैं, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए आप सभी इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, सब मिल करके बोलना, और इस मंत्र को ध्यान कर करके आप जहाँ पर जितनी देर रुके दरबार में कहीं भी किसी भी कोने में बैठ करके जो है आप इस मंत्र का जप करें, क्योंकि मंत्र जप करना जिस पीठ पर आप आए हुए शक्ति पीठ पर आकर के, तो कहते हैं उस स्थान पर बैठ करके जब नाम जप किए जाते हैं तो उसका जो है अनंत गुणा फल होते हैं, 100 गुणा फल होते हैं, 1 माला करते हैं तो 100 माला का फल जो मिलता है। इसी प्रकार से आप कहीं बैठ करके आप भगवती का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करें, और जप करते हुए आप अपने घरों में जाएं और घरों में जो है इस मंत्र का जो है आप खूब जप करें, अधिक से अधिक फलम, जितना अधिक जो जप करेंगे उतना अधिक फल होगा। और इन तीनों की देवियों की वास्तव में इस मंत्र का जप करने से महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती, इन तीनों शक्तियों की विशेष कृपा प्राप्त होती है, अर्थात निरोगी जीवन, निरोगी काया, धन लक्ष्मी की प्राप्ति और माँ सरस्वती का आशीर्वाद जो है, ये तीनों देवियों का आशीर्वाद मिलता है। तो सभी मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 नमान मंत्र माँ भगवत का बीज मंत्र है, परम शक्तिशाली मंत्र, और इस मंत्र का आप जितना जप कर सकते हैं जप करें। और जो है दुर्गा पूजा जो है ये विशेष करके जो है ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली है, चारों पुरुषार्थ को देने वाली है। जो इस प्रकार से जो भगवती की विशेष पूजा आराधना अर्चना करते हैं उन्हें माँ की कृपा से धार्मिक मति, धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है, वह धर्म से कभी विचलित नहीं होते, अर्थ धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, काम माँ भगवती के आशीर्वाद से उनकी समस्त मनोलक्ष्य कामना पूर्ण होती है, तथा मोक्ष अंत में वह पर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस संसार में आकर साधक जो है इस संसार में रहते हुए समस्त भोगों का भोग करते हुए अंत में माँ के आशीर्वाद से उन्हें पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दुर्गा पूजा जो है, दुर्गा शब्द में जो है सबसे पहले द शब्द आता है, दकार जो है, दकार जो है ये दैत्य नाशक है, जो दैत्य को नाश करने वाला है। उकार उसके उपरांत उकार ऊ जो है, उकार जो विघ्न नाशक समस्त विघ्नों को दूर करने वाला। फिर इसके ऊपर जो रेफ लगा हुआ, रार लगा हुआ है, तो रेफ जो है ये रोग नाशक है, रोगों का नाश करने वाला। गकार ग जो है यह पाप नाशक है, पापों का नाश करने वाला। तथा आ जो है आकार जो है जय भय शत्रु नाशक है, इसलिए कहा है कि दुर्गा दुर्गति नाशने माँ दुर्गा जी ही जो दुखों का नाश करने वाली ही, सुखों को देने वाली ही, पापों का नाश करने वाली ही, परम पुण्य को देने वाली ही। इसलिए जो भक्तजन माँ भगवती दुर्गा के शरणागत होकर के भगवती की उपासना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, उन भक्तों पर इस जाम जगजन्य की सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है, और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उनकी समस्त मनोवलिष्ट कामना जो है वह पूर्ण होती है। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के दरबार में जो है
प्रत्येक नवरात्र में जो है सचंडी महायज्ञ किए जाते हैं, जिसका जिसके लिए जो संकल्प किए जाते हैं विश्व शांति के लिए जो है यज्ञ किए जाते हैं, ये जो आप दान दक्षिणा मां के दरबार में चढ़ाते हैं, ये सब केवल मात्र देखिए आपकी सुविधा के लिए सब प्रकार की व्यवस्था जो की जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय यहाँ यूनिवर्सिटी जो है, जहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी स्टैंड बोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसका निर्माण हुए है, जहाँ पर बच्चे जो अध्ययन करते हैं और विद्या प्राप्त कर करके लाभान्वित होते हैं, और ये सब आपका ही सहयोग है। ये जो जो धन धन जो है भेंट आप चढ़ाते हैं उसी से इसका निर्माण होगा। फिर वहाँ पर जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड नारायण हॉस्पिटल जो है उसका निर्माण होगा, और जो गुरुकुल जो है चरण पाद के पास ही वहाँ पर बिल्कुल फ्री एजुकेशन जो है बच्चों को दी जाती है, और इस प्रकार से विशेषकर वहाँ संस्कृत का जो है वेद पाठ का विशेष जो किया जाता है, और सब प्रकार आधुनिक शिक्षा भी जो है वहाँ पर दी जाती है। ये सब आपके सहयोग से जो है ये सब जो पुण्य कर्म हो रहे हैं, जो धर्म कर्म जो आपका धन जो आते हैं अच्छे अच्छे कार्य में लगते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि दरबार से भैरव घाटी जाने के लिए वो बेका जो है जो व्यवस्था जो की गई है, इस प्रकार से यहाँ जिस सब सुविधा जो है, जो और अभी जो है जो दुर्गा भवन का निर्माण जो है जो भी प्रारंभ हो गया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई है। रोपवे के लिए अब इतना सुखद रास्ता हो गया है, सभी जय माँ के दर्शन करके भैरव भावक भी दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और दुर्गा भवन जो है जो भी लोगों के रहने के लिए ठीक प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर हो सके, उनको सुख सुविधा उनको रहने की सुविधा प्राप्त हो सके, तो उसका भी ये शुभारम्भ जो है ये हो चुका है। और प्रत्येक नवरात्र में यहाँ पर सचंडी महायज्ञ किया जाता है, वह भी सब आप लोगों के द्वारा ही वह यज्ञ होते हैं, और यज्ञ के लिए जो है उसमें जो यज्ञ जो है सचंडी यज्ञ जो है उसमें जप होता है, हवन होता है, पाठ होता है, श्रीमद देवी भागवत का जो है पाठ किया जाता है, नवग्रह के मंत्रों का पाठ किया जाता है, नवान मंत्र का जो है उसका जो जप किया जाता है। इस प्रकार से प्रतिदिन जो है 9 दिन जो है जो लगातार हवन जो है चलता है, और उसका एकमात्र यही उद्देश्य है कि विश्व में शांति हो, उससे उत्पन्न होने वाला जो पुण्य जो है वह पूरे विश्व को प्राप्त हो और पूरा विश्व जो है सुख को प्राप्त करे। बोलो सच्चे दरबार की है। तो अभी भजन होंगे माँ को प्रसन्न करने के लिए, अभी आपने स्तुति पाठ किया, माँ से प्रार्थना की है भजनों के द्वारा जो है स्तोत्रों के द्वारा कि माँ किसी प्रकार प्रसन्न हो जाए, और नवरात्र में आपसे देख रहे हैं सभी जो किस प्रकार दरबार में जो है दरबार को सजाया गया है फूलों के द्वारा फलों के द्वारा, ये पूरे सजावट जो है ये माँ की बड़ी कृपा है। मैं कल सायंकाल बतला रहा था कि इस देवी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। धन जो है बहुत लोगों के पास होते हैं, परंतु ये खर्च करने की शक्ति ये किसी को भी प्राप्त होती है, ये भगवती ये सेवा जो स्वीकार कर रही है, ये सेवा इसी प्रकार से वह लेती रहे, और इस प्रकार से अपने भक्त पर जो है शर्मा साहब पर जो है पूर्ण कृपा बनाए रखें, और इसी तरह सेवा जो है उनसे जो लेती रहे। भगवती के दरबार में जो है इस प्रकार से ये आप देख रहे कितनी सजावट, इसी प्रकार से माँ को प्रसन्न करने के लिए एक प्रजतन किया जाता है। घरों में आप माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ को सजाते हैं, माँ को बुलाते हैं, बिठाते हैं कि माँ आप आए हमारे परिवार को आशीर्वाद दें, और दरबार में सजावट कर करके माँ से प्रार्थना की जाती है भगवती आप पूरे विश्व का कल्याण करें, आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपके प्रसन्न होने पर ही जगत का कल्याण होता है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो है इस प्रकार से माँ से प्रार्थना की जाती है। माँ को उसके दरबार को पूरा सजा करके माँ से प्रार्थना की जाती है भगवती प्रसन्न हो और सबको आशीर्वाद दें, सबका मंगल करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री मनिंद्र सिंह माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे, आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री मनिंद्र जी। जयकारा शिरवली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आगे 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 माँ दिन राते आ गए, आगे 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 माँ दिन राते आ गए, वो आगे 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 माँ दिन राते आ गए, आगे 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 माँ दिन राते आ गए, वो जोता वाली माँ दिए जोता, 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 मिलके भक्त जगा गए, आगे 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 माँ दे नराते आ गए, आगे 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 माँ दे नराते आ गए, आगे 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 माँ दे नराते आ गए,
ਸਭ ਨੇ ਬਿਠਾਣੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ
ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬਿਠਾਣੀਆਂ ਏ ਕੰਜਕਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬਿਠਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕੰਜਕਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬਿਠਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਣੀਆਂ ਏ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ 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 ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪਾ ਗਏ ਆ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਰਾਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਰਾਤੇ ਆ ਗਏ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ 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 ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਹੋ ਕਰ ਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਹੋ ਕਰ ਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਪਹਿਲ ਨਰਾਤੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜੋ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਪਹਿਲ ਨਰਾਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬੀਜੋ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਚੁੰਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੜਾਓ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੜਾਓ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੜਾਓ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਚੁੰਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਓ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਉਹ ਨਿੱਤ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਤ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ ਉਹ ਨਿੱਤ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਤ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਦਾ ਰਜ ਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ ਰਜ ਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ ਰਜ ਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਦਾ ਰਜ ਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ ਰਜ ਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ ਰਜ ਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ ਉਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਏ ਚੌਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ 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 ਹੋਣਾ ਏ ਜਗਰਾਤਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ
ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਓ ਪਰਮਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਏ ਆਇਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੜੀਆਂ ਓ ਪਰਮਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਏ ਆਇਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੜੀਆਂ ਦੂਰੂ ਦੂਰੂ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਦੂਰੋ ਦੂਰੋ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਠੇ ਪੈਰੇ ਨਾਮ ਧਿਆਣਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰੇ ਨਾਮ ਧਿਆਣਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰੇ ਨਾਮ ਧਿਆਣਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰੇ ਨਾਮ ਧਿਆਣਾ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਲਗਾਵੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਲਗਾਵੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਲਗਾਵੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੁਲਾਵੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੁਲਾਵੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੁਲਾਵੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਵੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਵੇ ਮਾਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਵੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਵੇ ਮਈਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਵੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਵੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਤਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਵਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਕਰ ਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਮਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਨਰਾਤਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਗੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜਗਦੰਬੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ ਓ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜਗਦੰਬੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਿਸੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਝਕੋ ਆਇਆ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਿਸੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਝਕੋ ਆਇਆ ਹੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜਗਦੰਬੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜਗਦੰਬੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਸ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਸ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਸ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਸ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੂੰ ਮਗਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਪੀਰੋ ਕਰ ਹਾਰ ਲਾਇਆ ਹੂੰ ਮਗਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਪੀਰੋ ਕਰ ਹਾਰ ਲਾਇਆ ਹੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜਗਦੰਬੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ ਹੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜਗਦੰਬੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ ਹੂੰ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਚਲਾ ਦੋ ਆਸ਼ਕ ਦੀਪਕ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ ਹੂੰ ਆ ਜਗਾ ਦੋ ਆਸ਼ਕ ਦੀਪਕ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ ਹੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜਗਦੰਬੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ ਹੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜਗਦੰਬੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਿਸੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਝਕੋ ਆਇਆ
नहीं सुनता जिसे कोई सुनाने तुझको आया माँ तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया माँ तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ मैं खातर ठोकरे जग की हूँ आया सर तेरे मैया मैं खातर ठोकरे जग की हूँ आया सर तेरे मैया जग की हूँ आया दर तेरे मैया कर तो करे जग की हूँ आया दर तेरे मैया चलो मुझको दुनिया से बहुत ही मैं सताया हूँ चलो मुझको दुनिया से बहुत ही मैं सताया हूँ तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा जिसे कोई सुनाने तुझको आया हूँ नहीं सुनता जिसे कोई सुनाने तुझको आया हाँ तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ माँ तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ जयकारा शेरा वाली बोल सच्चे दरबार की जय प्रस्तुत करेंगे श्री सुरेश जी जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय मैया देना दया का दान शरण तेरी आए हैं मैया देना दया का दान शरण तेरी आए हैं मैया देना दया का दान शरण तेरी आए हैं मैया सबके मन में जमा सबके मन में यही अरमान सबके मन में यही अरमान शरण तेरी आए ओ सबके मन में यही अरमान शरण तेरी आए हैं मैया देना दया का दान शरण तेरी आए मैया देना नतमस्तक 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 हुए सुल्तान
दरबार की जय। तभी अगला वचन प्रस्तुत करेंगे श्री मनिंद्र जी। जयकारा शिरोमणि जी का बोल सच्चे दरबार की जय। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरी शेरोवाली माँ। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरी शेरोवाली माँ। तेरी मर्जी का मैं हूँ को है लाखों प्रणाम।
जी का मैं हूँ गुलाम मेरी शेरों वाली हार चुका मैं अकल लड़ा कर हार चुका मैं अकल लड़ा कर कुछ ना बना मेरा सब कुछ लूटा कर कुछ ना बना मेरा सब कुछ लूटा कर हार चुका मैं अकल हार चुका मैं अकल लड़ा कर कुछ ना बना मेरा सब कुछ लूटा कर कुछ ना बना मेरा सब कुछ लूटा कर अपना संभालो इंतजाम मेरी शेरों वाली बारा अपना संभालो इंतजाम मेरी शेरों वाली माँ तेरी मर्जी का मैं हूँ मैं हूँ गुलाम तेरी शेर वाली माँ मैया तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेर वाली माँ मैया तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेर वाली माँ तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो सब कुछ हरा मेरी शेरों वाली माँ तुम बिन हो सब कुछ हरा मेरी शेरों वाली माँ मेरी शेरों वाली माँ तेरी मर्जी का मैं हूँ भुला मेरी शेरों वाली माँ मैया दिलो है लाखों बना मेरी शेरों वाली माँ मैया तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेरों वाली माँ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरी शेरों वाली माँ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरी शेरों वाली माँ मेरी शेरों वाली माँ मेरी शेरों वाली माँ मेरी मेरों वाली माँ मेरी मेरों वाली माँ मेरी शेरों वाली माँ मेरी शेरों वाली माँ मेरी मेहरों वाली माँ मेरी शेरों वाली माँ जयकारा शेरवानी जी का बोलो सच्चे दरबार की जय आरोड़ सिद्धांश भ्रमते जगणे दक्षिणे चक्षुत्र वामे हस्ते दिभ्यां भ्रे कणकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं सभिनां भदन्ते स्वकृतकृजभि शास्त्र विज्ञान शब्दे क्रीडन्त दिभ्रोपा करकमलधर भारती सुप्रसन्न सच्चें ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संवाद 2076 उत्तरायण उत्तर गोल बसंत ऋतु चैत्र मास के आज 24 प्रविष्ट ही शुक्ल पक्ष आज प्रतिपदा तिथि ही शनिवार तदनुसार 6 अप्रैल सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में और विशेषतया बसंत के नवरात्र के प्रथम नवरात्र के अवसर पर आप भक्तों को माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भाने भव श्रीमान जशस्वी भव प्रज्ञा भाने भव भूर्भूत करणे धाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव
धैर्य गर्व दलनी व्यापार दक्ष श्री शंबर पाद पुनरत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देश शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यमाविदात् शुभमानम हीयते धनं धान्यं पशु बहुपुत्र लाभ सत्संवत्सर दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोले सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आपसे भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली जाते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम को निषद न धावत मैया जी को निषद न धावत हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम जय जल से दो नैना ओ जल से दो नैना चंद्र बदन नी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान चल रक्ता पर राजे मैया रक्ता पर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल चंद्र दिवाकर समानत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शंकर शंकर धार महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी मैया नेत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे दुख
भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी फल पावत देवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी भैया अगर कपूर बाकी श्री माल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति प्रेम सहित गावे कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोरथ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय सच्चे धर्मराज की जय प्रत्येक नवरात्रों में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से मां के दरबार पर सचंडी महायज्ञ किया जाता है जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए विश्व शांति के लिए ये यज्ञ जो है ये विभिन्न स्थानों से विद्वानों को बुला करके इस यज्ञ को संपन्न किया जाता है। आज प्रातःकाल इस यज्ञ का शुभारंभ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ परम सम्माननीय सिमरनदीप सिंह जी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की एडिशनल सीईओ परम सम्माननीय श्री विवेक वर्मा जी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एसडीएम साहब परम सम्माननीय नरेश कुमार शर्मा जी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेंबर परम सम्माननीय के शर्मा जी के करकमल द्वारा सचंडी महायज्ञ के आचार्य परम सम्माननीय डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी के तत्वाविधान में गणेश पूजन करवा करके इस यज्ञ का शुभारंभ जो है किया गया है। ये यज्ञ जो है 9 दिन तक जो चलेगा विश्व शांति के यज्ञ जो है इससे उत्पन्न होने वाला जो फल जो है जो पुण्य जो है पूरे विश्व को प्राप्त हो पूरे विश्व का कल्याण करने वाला हो और ये यज्ञ जो है ये प्रत्येक नवरात्र में किया जाता है जो आप भक्तों की ओर से ये करवाया जाता है और जो भेंट दक्षिणा जो है माँ के चरण में अर्पित करते हैं इसी के द्वारा ये यज्ञ होता है और ये जो आप भेंट दक्षिणा जो है भेंट पात्र में डालते हैं इसी के द्वारा जो है अन्य अन्य डेवलपमेंट के कार्य जो किए जाते हैं जो कि मैंने आपको बतलाया कि श्राइन बोर्ड
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी जो का निर्माण हुआ, श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, गुरुकुल का निर्माण हुआ जहाँ पर फ्री एजुकेशन जो है जो बच्चे प्राप्त करते हैं। अभी रोपवे का उद्घाटन हुआ था पिछले दिनों, जो आपकी सुख सुविधा के लिए जो है भवन से दरबार से जो है सीधे भैरव के दर्शन जो है वहाँ पर जो होते हैं उसके लिए सुख सुविधा जो बनाई गई, रोपवे का उद्घाटन किया गया। अभी दुर्गा भवन का निर्माण जो है ये प्रारंभ हुआ है, जो बहुत शीघ्र ही जो है यह आपकी सुख सुविधा के लिए जहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था ठीक प्रकार से हो पाएगी। इसलिए श्राइन बोर्ड जो है और रात्र जो है आपकी यात्रियों की सुख सुविधा के लिए जो है प्रयत्नशील है और उत्तर उत्तर जो है वृद्धि को अग्रसर हो रहे हैं, और माँ से यही प्रार्थना की जाती है कि भगवती इस प्रकार से ये श्राइन बोर्ड जो है माँ के आशीर्वाद से आगे बढ़े और जहाँ पर आने वाले जो यात्री जो हैं माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर करके परम कल्याण को प्राप्त हों। इसलिए प्रत्येक नवरात्र यहाँ पर सचंडी यज्ञ होता है और हर दिन जो है यहाँ पर जो है यहाँ हवन पूजा पाठ जो है ये विश्व शांति के लिए प्रतिदिन जो है किए जाते हैं, और उसमें भी जो है भक्त जो है अपना शुल्क जमा करवा करके वो यज्ञ में सम्मिलित जब होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र, साहित्य शास्त्र, वेद, नीति शास्त्र, कर्मकांड के महाविद्वान राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित श्री नवीन केंद्रीय संस्कृत महाविद्यालय से प्राचार्य से सेवानिवृत्त, वर्तमान में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड गुरुकुल के निर्देशक, प्रातः सम्माननीय परम आदरणीय परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी से कि आज प्रथम नवरात्र के अवसर पर माँ भगवती की प्रथम स्वरूप शैल पुत्र का महत्व बतलाते हुए अपने आशीर्वचनों द्वारा भक्तों को लाभान्वित करें, परम श्रद्धा परम आदरणीय गुरु जी। आरुह्य श्वेत हंसैर्भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षुसूत्रम् वामे हस्ते च दिव्यं वरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं स्वां वीणां वादयन्ती निजकरकमलैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। परम श्रद्धेय श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव सम्माननीय श्री सिमरनजीत सिंह जी, आदरणीय एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव श्री विवेक वर्मा जी, यहाँ के प्रशासक एवं यज्ञ के प्रधान यजमान आदरणीय श्री नरेश कुमार शर्मा जी SDM साहब सपत्नी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेंबर सदस्य तथा भगवती के दरबार में विभिन्न प्रकार के पुष्पों से और फलों से दिव्य एक शोभा को बढ़ाने वाले इस जो डेकोरेशन है इसको एक बहुत पवित्रता से सच्चे मन से करने वाले आदरणीय श्री KK शर्मा जी सपत्नीक, सभी विद्वज्जन, भारतवर्ष के विविध प्रांतों से आए हुए सभी भक्तजन, श्री माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड के सभी अधिकारीगण, इस पवित्र अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज
तीन चार बातों को तो हमें विशेष रूप से स्मरण करना ही चाहिए। सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा कि आज के दिन सृष्टि का निर्माण हुआ था, ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था। कृति च प्रभवे चैत्रे प्रतिपत् शुक्ल पक्ष मत्स्य रूप कुमारियांच अवतीर्णो हरिस्वयं। दूसरे प्रमाण के आधार पर चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनी, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। तो ये सृष्टि का पूरा निर्माण किया तो यह दिन पूरे विश्व के लोगों को उसका मनाने चाहिए, पूरे विश्व के लोगों को इस दिन को मनाना चाहिए और पर्व के रूप में मनाना चाहिए कि ये सृष्टि का दिन है और हम सब के लिए ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है। हमारे जितने भी राष्ट्र हैं पूरे विश्व में, वो सभी राष्ट्र आज के दिन को एक विश्व उत्पत्ति के दिवस के रूप में मनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा, आज के दिन नया संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। इस संवत्सर का फल का सुनना और संवत्सर के महत्व को सुनना बहुत बड़े पुण्य का एक पुण्य को देने वाला होता है। आज चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 2:57 है, उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। उसके साथ साथ आज नक्षत्र रेवती है, रेवती नक्षत्र के बाद अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग आज वैधृति योग है और बब कर्ण है। वैधृति योग के लिए ये कहा है, खास करके नवरात्र में जो हम घट स्थापन करते हैं और शाखा रोपण करते हैं, उस घट स्थापन के लिए कहा है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग ये कलश स्थापन के लिए वर्जित है। वैधृतौ पुत्र नाशस्यात् चित्रायाम धननाशनम्। वैधृति योग में यदि कलश स्थापन किया जाए तो पुत्रों के लिए अरिष्ट पैदा करता है, चित्रा नक्षत्र में यदि किया जाए तो वो धन के लिए खराब होता है। अब इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि उसके पहले पाद को छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमारे जो पंचांग हैं, मार्तंड पंचांग है, पंचांग देवाकर है, कश्मीरियों के वो एक अलग एक पंचांग है, तो उन पंचांगों के आधार पर हम निर्णय करते हैं कि भाई कौन सा समय लिया जाना चाहिए। पंचांगों में आज के दिन घट स्थापन के लिए और ये जो जवांकुर आरोपण करने हैं, खेतरी को बीजना है, ये अभिजित मुहूर्त में कहा है, क्योंकि यदि कोई मुहूर्त किसी प्रकार का अच्छी प्रकार से नहीं मिल पाए तो अभिजित मुहूर्त में वो काम करना चाहिए। अभिजित मुहूर्त कौन सा होगा आज, इसके लिए 12:06 से लेकर के और 12:54 तक हमें घट स्थापन और शाखा रोपण कर देना चाहिए। यह सभी जो जितने भी नवरात्र में पूजा करने वाले भगवती के सभी भक्तों के लिए है कि आज 12:06 से लेकर के 12:54 तक ये क्षेत्रीय आरोपण करने, उससे पहले आप पूजा की सारी सामग्री, पूजा की सारी तैयारी कर सकते हैं, गणेश पूजन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस समय केवल घट स्थापना के लिए ये समय जो है ये आप बिल्कुल अपने पास रखें। तो यह एक हमारा जो संवत्सर आय प्रारंभ हो रहा है, इस संवत्सर का नाम है परिधावी संवत्सर। और जैसे हमारी कैबिनेटें होती हैं, हमारे मंत्रिमंडल होते हैं, उसी प्रकार मंत्रिमंडलों में भी जो आकाशीय मंत्रिमंडल है, ग्रह मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में इस वर्ष के राजा जो हैं वो शनि हैं और मंत्री जो हैं वो सूर्य हैं। दोनों बहुत सशक्त हैं, लेकिन ये दोनों शत्रु हैं। सूर्य का शनि शत्रु है और शनि के सूर्य शत्रु हैं। तो
अब दोनों जो हैं वो राजा और मंत्री हैं, तो ये उहा पोह रहता है वर्ष भर में, एक कोई अच्छा काम करने के लिए सोचता है, दूसरा उसको रोकने की कोशिश करता है, कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, दूसरा उसकी प्राकृतिक आपदाओं को रोक देता है, कोई ज्यादा प्रचंड गर्मी करने की कोशिश करेगा, दूसरे ने उसको रोकने की कोशिश करनी है, राजनीतिक अस्थिरताएं भी कई बार देता है, और प्राकृतिक भूकंप इत्यादि भी घटनाएं जो है वो होती हैं। इसलिए इस वर्ष के राजा शनि महाराज, उनका पूजन और उनसे प्रार्थना करना, और सूर्य जो मंत्री हैं और जो सभी ग्रहों के मध्य में विराजमान होते हैं, उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि अपने अशुभों को वो दूर भगाएं और पूरे विश्व का कल्याण करें। यह यज्ञ जैसे कि अभी शास्त्री जी ने कहा, विश्व कल्याण के लिए किया जाता है, और केवल एक भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जो पूरे संसार के कल्याण की कामना करता है, और किसी भी देश में पूरे विश्व के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता, लेकिन भारतवर्ष में आपसी मैत्री संवर्धन के लिए, आपसे कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे विश्व में जितने भी होने वाले जो अरिष्ट हैं उन अरिष्टों को दूर करने के लिए हम वैदिक विधि विधानों के माध्यम से हम ये यज्ञ जो है वो करते हैं, और श्राइन बोर्ड के माध्यम से ये यज्ञ बहुत विधि विधान से होकर के और माता की आशीर्वाद से पूरे विश्व का कल्याण करता है। दो बातें हो गई, तीसरी बात है नवरात्र प्रारंभ है आज, और कैसे नवरात्र, वासंतिक नवरात्र जो शरद ऋतु के बाद में शिशिर ऋतु के बाद में आए हैं, पिछले शारद नवरात्र थे, अब वासंतिक नवरात्र आए हैं। शरद ऋतु में सभी लोग ठिठुरते ठिठुरते ठंडी से को कुछ काम नहीं कर पाते थे, बढ़ नहीं सकते थे, अपने काम में खुल करके हाथ नहीं बढ़ा सकते थे, और इस बसंत ऋतु का इंतजार था। बसंत ऋतु आई, आप जानते हैं कि सर्दियों में तो बहुत से वृक्ष लता गुलमादि जो है वो सूखने जा रहे थे, उनके पत्ते भी झड़ गए थे, और उनमें कईयों में तो बचने की आशा नहीं रही थी, इसी प्रकार मनुष्यों में भी कोई बूढ़े लोग, कोई रोगी लोग जो थे वो इंतजार कर रहे थे कि भाई कम से कम जब बीत जाए और बसंत ऋतु आए तो हमें जीने का सुअवसर प्राप्त हो। अब वह समय आ गया है, अब जो वनस्पति हैं, वृक्ष हैं, उन वो फूलों से, लताओं से, पत्तों से लदे हुए हैं, और जो रोगग्रस्त थे उनके रोग भी दूर हुए हैं। अब यहाँ पर हमें वासंतिक नवरात्रों के लिए विशेष ध्यान देना है कि जो भी जितने लोग अपने अपने घरों में आज शाखारोपण करने जा रहे हैं, भगवती का पूजन करने जा रहे हैं, घट स्थापन करने जा रहे हैं, अपने वातावरण को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, अपने आप को शुद्ध रखते हुए अपने वस्त्रों को पवित्र रखते हुए, जिस स्थान पर आपने भगवती की पूजा करनी है उस स्थान को पवित्र रखते हुए, उसकी जितनी भी सामग्री है उस सामग्री को पवित्र रखते हुए, अपने मन की दुर्भावनाओं को दूर भगा कर करके और अपने मन को शुद्ध ध्यान दे करके और भगवती की उपासना में तल्लीन हो जाएं। और इस तल्लीनता में कुछ बातें हैं, सबसे पहले आप उस स्थान पर, मैं ये नहीं कहूँगा आपको क्या करना है क्योंकि आप सभी जानते हैं, और कुछ कहीं पर तो विद्वान लोग पूजा पाठ करवा रहे हैं, पंडित लोग पूजा पाठ करवा रहे हैं, कहीं पर यजमान जो है वो खुद पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी न किसी ढंग से पूजा के क्रम को, पूजा की विधि को सीखा हुआ है और पूजा की विधि को वो करते हैं। आज आप जब पहले प्रतिज्ञा कीजिए अपने हाथ पर जल लेकर के कि मैं फलाने गोत्र में पैदा हुआ फलाना व्यक्ति अपना नाम लेकर के मैं अपने पुत्रों के कल्याण के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए, अपने परिवार के सभी बच्चों के कल्याण के लिए, इनकी विद्या प्राप्ति के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए, रोगों को नाश करने के लिए, मैं आज से प्रथम नवरात्र से अंतिम नवरात्र तक मैं भगवती की पूजा आराधना करने लगा हूँ। और ये मंत्र जिस किसी मंत्र का भी आप जप करना चाहेंगे, चाहे वो नवारण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विची सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्यता मनुष्यो मत प्रसादेन
प्राचीन भविष्य, इस प्रकार अन्य अन्य कई प्रकार के मंत्र हैं। आपके पास विद्वान होते हैं, आपने उनसे सुना भी होगा और आप जानते भी होंगे। इस प्रकार के मंत्रों का जप पूजा पाठ करने के लिए आप तैयार हो जाएं और सर्वप्रथम आप गणेश का पूजन करें और अपने विघ्नों को दूर करने के लिए कि मेरी ये उपासना, जो मैं भगवती की उपासना करने जा रहा हूँ, इसमें कोई भी किसी प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित ना हो। भगवती गणेश की पूजा करने के बाद आप शाखा रोपण कीजिए, शाखा के बाद उसके ऊपर कलश स्थापन कीजिए, कलश के बीच में जो भी व्यवस्थित चीजें हैं, तिल के है, पुष्प है, गंध है, सर्वौषधि है, पंचरत्नी है, या सिक्का है, या दुर्वा है, या कुशा की पवित्र है, ये सारे कर करके उसमें सब प्रकार के देवताओं का आवाहन कीजिए। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा इत्यादि नदियों का भी उसमें आवाहन कीजिए। उसके बाद उसमें आम्रपत्र पंचपल्लव रखिए, पंचपल्लव नहीं तो आम्रपत्र रखिए। आम्रपत्रों के ऊपर डोना रख दीजिए और उसमें चावल रख दीजिए, या प्लेट रख दीजिए उसमें चावल रख दीजिए, उसके ऊपर नारियल रखें और नारियल जो है वो आप अपनी ओर उसका मुख रखें, पीछे की ओर उसका मुख ना हो। आप पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए हैं तो आपकी तरफ नारियल का मुख हो, क्योंकि जो नारियल का मुख यदि आगे पीछे होगा तो उसके लिए शास्त्र में कुछ व्यवस्था कही हुई है। इसलिए अधो मुखम शत्रु विवर्धनाय, यदि नीचे की ओर आपने नारियल का मुख किया हुआ है तो शत्रुओं की वृद्धि होती है। और ऊर्ध्वंतु वक्त्रम बहुरोग सिद्धि, ऊपर की ओर नारियल का मुख होगा तो कई प्रकार के रोग आते हैं। और ऊर्ध्वंतु वक्त्रम बहुरोग सिद्धि, प्राची मुखम वित्त विनाश है, तो पूर्व की तरफ यदि उसका मुख होगा तो धन के नाश के लिए होता है। इसलिए तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलम, नारियल जो है अपनी ओर रखिए और उसके बाद प्रतिदिन के हिसाब से गणेश पूजन करके प्रतिज्ञा के मुताबिक माध्यम से इसी प्रकार की पूजा कीजिए। पहले शाखा का पूजन, कलश का पूजन, कलश के ऊपर भगवती का पूजन कीजिए। अन्य अपने स्थानों पर यदि आपने दुर्गा माता की फोटो रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है चांदी की, सुवर्ण की, या आपने कोई फोटो रखी हुई है उसकी पूजा कीजिए और बिल्कुल ध्यान दे करके और श्रद्धापूर्वक उसका ध्यान करके आप पूजा करें और भगवती वैष्णवी भी आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। और प्रथम नवरात्र से ये आपकी जो पूजा है ये दिन प्रतिदिन अग्रसर बढ़ती जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं वो एक बहुत ही एक वैज्ञानिक तत्व के आधार पर कही गई हैं। अब मैंने आपसे अभी कहा कि संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है, संवत्सर का प्रारंभ कलियुग से, जिस समय कलियुग प्रारंभ हुआ उस समय युधिष्ठिर नामक का संवत्सर प्रारंभ हुआ था और उसके बाद चलते चलते फिर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य सिंह के समय से ये विक्रमादित्य नामक का संवत्सर चल रहा है। और जो 135 वर्ष के लिए इसको चलना था, लेकिन विक्रमादित्य जो हैं, महाराज विक्रमादित्य जो थे, उन्होंने जनता की इतनी सेवा की, जनता को इतना प्रसन्न किया, जनता के सब प्रकार के कष्टों को दूर किया, जनता के दुख दरिद्र को दूर किया और जनता की एक सर वो पिता की तरह बन गए और जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज ऋण जो है वो नहीं रहा और जनता के बहुत प्यारे प्रिय हो गए। और इसी कारण से वो राजा जो है वो आज तक प्रिय है और उन्हीं के नाम का ये संवत्सर चल रहा है। और मैं ये इस समय प्रार्थना करूंगा सभी लोगों से, जो भी राजा बने, जो भी अपने कार्य को करें, जनता सुखपूर्वक रहे, जनता के कोई किसी प्रकार के कष्ट न रहें और जनता को दुखों को दूर करने के लिए वो हर समय प्रयास करें और प्रतिदिन अपने जो एक राज्य हैं उन राज्यों की समृद्धि के लिए प्रयास करते रहें। क्योंकि राजा का ये कर्तव्य होता है कि राजा मित्र की तरह और राजा अपने माता पिता की तरह और राजा अपने जो एक आंखों की तरह हमारे सामने जो है वो कार्य करता है और जनता जो है बहुत प्रसन्न होती है। इसी के साथ साथ मैं अभी एक तीसरी बात रह गई कि आज जैसे कि शास्त्री जी ने कहा था कि शैलपुत्र के विषय में आप सभी जानते हैं, मैंने भी बहुत बार कहा है, शास्त्री जी ने भी कहा है, अत्यंत संक्षिप्त रूप से मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ। शैल किसे कहते हैं? शैल कहते हैं पर्वत को, पहाड़ को। अद्रि, गोत्र, गिरि, ग्राबा, चल, शैल, शिलोचे, ये सब पहाड़ के नाम है। तो पर्वत की पुत्री होने के कारण से, शैल पुत्री होने के कारण से इनको शैलपुत्री कहा गया है। और इनका जो विवाह था वो शंकर भगवान से हुआ था और ये अपने पूर्व जन्म में ये सती इनका नाम था, दक्ष प्रजापति के घर ये पैदा हुई थी। और दक्ष प्रजापति के घर पैदा होने के बाद इनका विवाह जो था वो शंकर भगवान से हुआ था। अब संक्षिप्त से मैं ये कहूँगा कि जब इनका विवाह हुआ उसके बाद
दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ करना प्रारंभ किया। यज्ञ में सभी प्रकार के जितने भी देवी देवता हैं उनको आमंत्रित किया कि आपने सबने आना है, लेकिन शंकर भगवान को कोई किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं दिया। और उधर जो सती है, सती को ये हुआ कि मेरे उसको पता चल गया कि मेरे पिता ये यज्ञ कर रहे हैं, और उसको जब सती को ये पता चला कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है, यज्ञ हो रहा है, उनका मन जो है वो अपने पिता के घर जाने के लिए इस उत्सव को देखने के लिए लालायित हो गया, और वो बार बार आग्रह करने लगी शंकर भगवान से कि महाराज मेरे पिता जो हैं वो यज्ञ कर रहे हैं और मुझे वहाँ पर भेजिए, आप भी चलिए। उन्होंने कहा सती वहाँ पर जाना ठीक नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर बुलाया नहीं है, सभी देवी देवताओं को बुलाया है, हमें कोई निमंत्रण पत्र कोई हमें भेजा नहीं है, इसलिए हम नहीं जान। लेकिन पिता के घर में इस प्रकार का ऐसा काम हो रहा है तो सती जो थी वो बहुत ज्यादा आग्रह करने लगी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम जाना चाहती हो तो जाओ। जब सती जो है वो वहां पर अपने पिता के यहां पर चली गई तो सभी देवी देवताओं के आसन लगे हुए हैं, लेकिन शंकर भगवान का कोई किसी प्रकार का आसन नहीं। उसकी माता ने तो उसको गले लगाया और अच्छी तरह से बातचीत की, लेकिन बाकी बहनें दूसरे बंधु बांधव बड़े अनन्य मनस्क होकर के उखड़े उखड़े मुख से होकर के वो उससे बातें करने लगे, और उसको ये आने लगा कि देखिए ये सब उखड़े होकर के मेरे से बात कर रहे हैं। पिता ने भी दो तीन चार बातें जो थी वैसे अपमानजनक कही, उसको बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया, और उसने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब इस प्रकार की बात का पता शंकर भगवान को चला तो शंकर भगवान ने अपने गणों को आज्ञा दी कि जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ जो था उसको बिल्कुल विध्वंस कर दो। दक्ष प्रजापति का यज्ञ जो था वो विध्वंस हो गया, और जो सती ने अपने योगाग्नि के द्वारा अपना जो शरीर वहाँ पर भस्म किया था, उसके बाद दूसरे जन्म में वो हिमालय के घर शैल हिमालय के घर पुत्री के रूप में पैदा हुई, और उनका विवाह भी जो था वो शंकर भगवान से हुआ, और इसलिए ये हिमालय की पुत्री शैल पुत्री जो है ये इनका प्रथम नवरात्र। भगवती के ऐसे तीन रूप हैं, ऐसे हजारों असंख्य रूप हैं, उनमें से भी नौ रूप जो है वो बड़े प्रसिद्ध हैं, और नौ रूपों में आप आज देख रहे हैं शैल पुत्री के दर्शन कर रहे हैं, शैल पुत्री की आराधना कर रहे हैं, और जो ऐसे ऐसे भक्त भी हैं जो ज्योति स्वरूप दुर्गा के आगे बैठ करके और अहर्निश दिन रात नौ दिन तक अष्टनवमी तक अपनी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, और भगवती उनको वरदान देगी और भगवती उनके कार्यों को एक ठीक प्रकार से व्यवस्थित करेगी। मैं क्योंकि समय अधिक होने वाला है, अधिक हो रहा है, मैं अधिक ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन केवल मैं इतना कहूँगा कि आप सभी भक्तजन आज से नवरात्र तक अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवती वैष्णवी का ध्यान करें, और भगवती वैष्णवी के जो नाना रूप हैं और इन नौ नाना रूपों में से भी नौ रूपों से आप अपने वरदान को प्राप्त करने के लिए एक अच्छी कठिन तपस्या करें, जिससे कि आपकी जो मनोभिलषित कामनाएं हैं वो कामनाएं भगवती वैष्णवी जो है वो पूर्ण करेगी। मैं इस पवित्र अवसर पर आपसे, क्योंकि अधिक मैं नहीं कहूँगा, इलेक्शन आ रही है और बहुत से लोग अपने कुछ मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते होंगे, यदि वो भगवती से इस प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन वो केवल एक मंत्र का केवल साधारण तरीके से पाठ करने से नहीं हो जाएगा, इसके पाठों की विधि है, क्रम है, और एक मंत्र है ततो वव्रे नृपो राज्य मभिभ्रंशन्य जन्मणि अत्रि वचनीयम राज्यम हत शत्रु वलम बलात्। ये जो मंत्र है इस मंत्र का सवा लाख कम से कम सवा लाख जप हो, और उसके बाद इसके दशांश हवन हो। दशांश हवन जो है या तो जो कमल के पंखुड़ियाँ होती हैं, कमल की पंखुड़ियों को घी से भिगो करके आहुतियाँ दी जाएं, या फिर बिल्लू के टुकड़े होते हैं, बिल्लू के टुकड़ों को घी में भिगो करके इसका हवन किया जाए, या फिर लाल चंदन के टुकड़ों से घी में भिगा करके इसका हवन किया जाए, तो मनुष्य की मनोभिलषित कामनाएँ पूर्ण होती हैं। और इस प्रकार से बहुत से ऐसे कार्य, बहुत से ऐसे मंत्र जिनके माध्यम से मनुष्य उन्नतशील होता है, मैं केवल इस मंत्र को कह करके आप सभी से ये कहूँगा कि आप उन्नतशील हों। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्म वर्ग धन्यास्त एव निभृतात्मय भृत्यधारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। ये माँ जगत जननी जगदम्बा वैष्णवी जिनके ऊपर प्रसन्न है और उनके लिए क्या होता है, ते सम्मता जनपदेशु
धनानी थी वही नगर में राष्ट्र में सम्मान के योग्य होते हैं, वही विजय प्राप्त करते हैं। धन धनानी तेषाम, उन्हीं लोगों के पास धन होता है। तेषां यशांसी, उन्हीं का यश बढ़ता है। न तो सीधते धर्म वर्ग, कभी भी उनका धर्म जो है वो शिथिल नहीं होता। धन्यास्त एवं निभृतात्म ये भृत्य द्वारा, अपने आत्मा पुत्र और भृत्य और पुत्रों के द्वारा, पत्नियों के द्वारा वो लोग धन्य हैं। जेशान सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना, आप जिस प्रकार आप भगवती के दरबार में बैठ करके भगवती को प्रसन्न करने के लिए बैठे हुए हैं, इसी प्रकार भगवती जिन लोगों के ऊपर उनकी आराधना से प्रसन्न है वो लोग धन्य हैं, और वही लोग उन्नतशील होते हैं, वही अग्रसर बढ़ते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ आप सबको सृष्टि के प्रथम दिन की और संवत्सर के प्रारंभ की और नवरात्र के प्रारंभ की शुभकामनाएं देता हूं, और विशेष रूप से श्राइन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, परम सम्माननीय श्रद्धेय महामहिम पूज आदरणीय हमारे राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्री सत्यपाल जी मलिक, मैं उनको, उनके समस्त परिवार को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके नेतृत्व में यह श्राइन बोर्ड दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है, और मैं विश्वास रखता हूँ कि जिस प्रकार 1986 से लेकर के जितने राज्यपाल हुए, जितने चीफ एग्जीक्यूटिव हुए, एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव हुए, या जितने भी श्राइन बोर्ड के अधिकारी हुए, उन सभी ने दिल लगा करके काम किया, भगवती के प्रति आस्था रख करके, श्रद्धा रख कर करके दिन प्रतिदिन उन्नत किया, उसी का परिणाम जो है, उसी का प्रतिफल जो है हमें आज दिखाई दे रहा है कि यात्रियों के लिए सब प्रकार की सुविधाएं आज जहां पर व्यवस्थित हैं। और यात्री अपने आप में ये सोचते हैं कि वास्तव में जहां पर भगवती की आगे की हुई जो भेंटाएं हैं वो भेंटाएं कभी भी निष्फल नहीं जा रही हैं, उन भेंटाओं से हमको सम्मान मिल रहा है, हमको यात्रियों की सुविधाओं के लिए या अन्यान्य कई प्रकार की सुविधाओं के लिए श्राइन बोर्ड जो वह कृतज्ञ है। इसलिए मैं राज्यपाल जी के माध्यम से जो जहाँ पर इनके श्राइन बोर्ड के अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव साहब आए हैं और यज्ञ को प्रारंभ करवा दिया है, और विश्व कल्याण के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, और हमारे राज्यपाल जी के जो मंत्रिमंडल जो उनके सलाहकार हैं मैं उन सबको भी एक मुबारक और शुभकामनाएं देता हूँ। बाकी देश के जितने भी कर्मकर हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी न्यायकृत हैं, जितने भी एक नेता हैं, सभी को अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को माँ के आशीर्वाद के लेने के लिए मैं उनको एक आमंत्रित करता हूँ कि इस परिसर में जहाँ पर आकर के आप आशीर्वाद प्राप्त करें, आपकी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, भगवती प्रसन्न है, और जहाँ के पुजारीगण प्रसन्न हैं, श्राइन बोर्ड प्रसन्न है, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रसन्नताएं हर समय आपके साथ हैं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और एक आशीर्वाद मंत्र दे रहा हूँ। ओम द्रविणोदा द्रविण शस्तुरस्य द्रविणोदा सनारस्य प्रयंसत द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदारास्ते दीर्घवायुः। ओम उच्चापतंत मरुणम सुवर्णम मध्ये दिवस्तरणिं भ्रायमानं पश्यामत्वा सवितारं यमाहु रजस्रं ज्योतिर्यदविन्ददत्रिः। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, श्रीमान यशस्वी भव, प्रज्ञावान भव, भूरिभूतिकरणी दानी कनिष्ठो भव, तेयस्वी भव, बैरिदर्पदलनी व्यापार दक्षो भव, श्री शंभोर्भव पाद पूजन तथा सर्वोपकारी भव। अभी पुजारी जी आरती करने जा रहे हैं, आरती का आनंद लीजिए और शैलपुत्री का ध्यान करके भगवती से मांगने के लिए आप तैयार हो जाएं। पुजारी जी आरती प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद। Oh,
आनंद आया, किसी को आया किसी को नहीं आया, सबको आरती का आनंद आया। इतना समय ज्यादा हो गया लेकिन फिर भी आपके लिए आज नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। शास्त्री जी ने, आचार्य जी ने आप सबको समझाया, सबको आशीर्वाद दिया। आज तो आपको आशीर्वाद की वर्षा प्राप्त हो रही है। भगवती माता रानी जी जो जहां बैठ के देख रहे हैं, जो अपने घरों से इस वक्त
जहां से माता रानी जी की आरती देख रहे हैं, उनके लिए सबके लिए आज भगवती माता रानी जी से आप सबको मैं यही आशीर्वाद देता हूं कि आज जो आपने अपना घर सुंदर बनाया, अपना माता रानी जी का मंदिर सुंदर बनाया, ऐसे ही आप अपने मन को सुंदर बनाइए ताकि हमारा देश सुंदर बने। आप अपनी स्तुति में अपने लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने श्राइन बोर्ड के लिए और अपने पूरे भारतवर्ष के लिए अपनी अरदास लगाइए ताकि माता रानी जी आपको खूब खुशियां दे, तंदुरुस्ती दे, मनोकामनाएं पूरी करें, झोलियां आपकी खुशियों से भरे और सभी मिलके बोलेंगे, बोलो सच्चे दरबार की जय। ये बोझ है नी नवरात्रों वाली, ये वहां से जहां तक पूरी गूंज के साथ बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, आशीर्वाद जय माता दी। आशीर्वाद दो।